अभी भाई मेरी वो वाली आईडी है ना बैन हो गई। कोई ट्रिक है तो बताओ ना। ट्रिक तो है, गेम दोबारा स्टार्ट करो। ओके भाई कर रहा हूँ। हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी से मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज का वीडियो का टॉपिक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। आज के वीडियो में हम यहाँ पे बताने वाले हाउ टू अनबैन सस्पेंड अकाउंट। एंड भाई यहाँ पे मैं बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे 199% तुम्हारी आईडी अनबैन होगी ही होगी। और भाई तुम्हारी आईडी तुम्हारे से अनबैन नहीं होती, तुम्हारी आईडी को मैं अनबैन करवा के दूंगा। एंड 199% तुम्हारी आईडी यहाँ पे अनबैन होगी। एंड भाई तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, भाई तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हारी आईडी कब और क्यों बैन हुई। कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके तुम लोग बताओ। एंड भाई हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, एक एक प्रोसेस में तुम लोग को बताऊँगा कैसे करके तुम्हारी आईडी अनबैन होगी और कैसे तुम लोग अपनी आईडी को अनबैन करवा सकते हो। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना। यदि एक भी स्टेप को मिस करते हो फिर तुम्हारी आईडी अनबैन नहीं होगी। बाद में तुम कमेंट करोगे अभी भाई मेरी आईडी तो अनबैन हुई नहीं, आप गलत वीडियो बनाते हो, आपका वीडियो यहाँ पे वर्क नहीं करता। तो भाई तुम लोग यहाँ पे चिंता मत करो, तुम्हारा भाई एक एक स्टेप बताएगा जिससे कि तुम्हारी आईडी अनबैन हो जाएगी। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारी आईडी बैन क्यों होती है। देखो बैन होने का साफ रीजन, आपने क्या किया होगा, कभी ना कभी आपने हैक लगाया होगा या कभी ना कभी आपने अपनी दोस्त को आईडी दी होगी और उसने कुछ ना कुछ कांड करके आईडी को बैन करवा दिया होगा। एंड बहुत सारे बंदे का क्या होता है, आईडी है ना विदाउट रीजन बैन हो जाती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, जिसकी आईडी विदाउट रीजन बैन हुई है, जो कुछ भी नहीं किया, उसका तो पूरा चांस है कि भाई एक बार में आईडी अनबैन होगी, एक बार में। तो तुम लोग बने रहना। एंड भाई तुम्हारा कौन सा रीजन है कमेंट करके मैसेज जरूर से जरूर बताना। एंड आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने यहाँ पे प्रोसेस आपको बता दे, कौन कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना, कैसे करके तुम्हारी आईडी अनबैन होगी, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। वीडियो में बने रहना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और सभी प्रोसेस को तुम लोग फॉलो करना। तो पहले आप लोग कमेंट करके यहाँ पे बता दो किस रीजन से आपके यहाँ पे आईडी बैन हुई। और अपन चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की और मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, एक एक तरीका बताता हूँ जिससे कि तुम्हारी आईडी यहाँ पे अनबैन होगी। सबसे पहले तुमको यहाँ पे अपने फ्री फायर गेम को ओपन करके दिखाता हूँ कि मेरी जो फ्री फायर गेम है वो बैन है या अनबैन है। यानी यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हमारा फ्री फायर गेम जो है वो ओपन हो रहा है, फ्री फायर मैक्स। एंड उसके बाद ओपन होने के बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे क्या शो होती है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो देयर आर अबनॉर्मल एक्टिविटीज विथ योर अकाउंट, इट हैज बीन सस्पेंडेड। यही प्रॉब्लम होता है जब आपकी आईडी बैन होती है, आपकी अकाउंट बैन होती है, तो आपके साथ यही प्रॉब्लम होता है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, आपको इसको फिक्स करने के लिए बताते हैं कहीं तुम लोग अपनी आईडी। देखो भाई अभी आपको क्या करना, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके मोबाइल में कोई भी ब्राउजर होगा, जैसे कि मेरे मोबाइल में क्रोम ब्राउजर है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद जो प्रोसेस मैं करूँगा ना उसको पूरा फॉलो करना आप सभी के सभी। ऊपर आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अभिषेक गेमर, आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा अभिषेक गेमर। जैसे कि मैं यहाँ पे अभिषेक गेमर सर्च कर रहा हूँ ना, सेम आपको ट्रू कॉपी ऐसे ही करके अभिषेक गेमर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, ध्यान से सर्च कर लेना। एंड सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगा अभिषेक एक्सपेरिमेंट करके। अब आपको है ना इसी वाले वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे तुम लोग इस वाले वेबसाइट पे क्लिक करोगे ना, तुम लोग चले जाओगे वेबसाइट के अंदर, और वेबसाइट के अंदर जाने के बाद तुमको यहीं पे एक पोस्ट देखने को मिलेगा फ्री फायर आईडी अनबैन का। एंड भाई पूरा का पूरा फॉलो करना, एक भी स्टेप को मिस मत करना। एंड उसके बाद तुमको यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे की ओर जानी है। जैसे जैसे मैं नीचे की ओर धीरे धीरे जाऊँगा, आपको भी धीरे धीरे करके ऐसे ही नीचे की ओर जानी है। एंड आपको कौन सा पोस्ट पे क्लिक करना वो मैं आपको बताता हूँ। एंड आपको पोस्ट देखने को मिलेगा फ्री फायर सस्पेंड अकाउंट अनबैन अकाउंट रिकवरी करके, ये वाला पोस्ट जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपको इसी वाले पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करोगे ऊपर में आप लोग एड्स को कट कर लो, एड्स को कट करने के बाद आप लोग कुछ इस वाले पोस्ट पे आ जाओगे। एंड उसके बाद तुमको फिर से धीरे धीरे करके नीचे की ओर जानी पड़ेगी। एंड उसके बाद तुम लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन नहीं आपको एक मैसेज नीचे देखने को मिलेगा डियर गरीना टीम करके। आपको सबसे पहले वो मैसेज को कॉपी करना है। तो अपन सबसे पहले नीचे की ओर जाते हैं और मैं आपको वो मैसेज भी दिखाता हूँ कौन सा मैसेज है। तुम लोग ये जो मैसेज देख सकते हो डियर ना टीम, आपको इस वाले मैसेज को फटाफट से इधर से कॉपी कर लेना है। एंड ये मैसेज को आपको पूरा कॉपी करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉपी करना है। इसमें जैसे क्लिक करोगे एंड उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे, सेलेक्ट ऑल नहीं करना, इतना सेलेक्ट करके आपको इस मैसेज को कॉपी कर लेना है। एंड उसके बाद ये मैसेज आपका कॉपी हो जाएगा। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सब्सक्राइब टू ओपन लिंक का, आपको इस वाले लिंक पे अब आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे तुम लोग सब्सक्राइब टू ओपन लिंक पे क्लिक करोगे ना, तुम चले जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे सबसे पहला क्या काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है। ये दो काम आप लोग जैसे कर लोगे उसके बाद तुमको इधर से डायरेक्ट बैक करना है। जैसे मैं ऐसे बैक कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बैक करना है। एंड आपको फिर से ऐसे ही पेज पे आ जाओगे। एंड उसके बाद फिर से आपको नीचे की ओर जाना है और जहाँ पे सब्सक्राइब टू ओपन लिंक का ऑप्शन था, अब आपको सिर्फ वहाँ पे ओपन लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आपको इस वाले ओपन लिंक पे क्लिक करना है। जैसे तुम लोग इस वाले ओपन लिंक पे अब क्लिक करोगे, उसके बाद तुम चले जाओगे कहाँ पे, गरीना के ऑफिशियल साइट पे, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ
पे जैसे पहुंचोगे उसके बाद सबसे पहला काम आपको करना, ऊपर साइन इन का ऑप्शन है, आपको उस साइन इन वाले बटन पे सबसे पहला काम क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे तुम लोग साइन इन वाले बटन पे क्लिक करोगे उसके बाद तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिससे भी तुम्हारा गेम आईडी लॉग इन था फेसबुक से, गूगल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो हमारा यहाँ पे फेसबुक से लॉग इन था, फेसबुक आईडी सस्पेंड हुई है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे फेसबुक आईडी यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे फेसबुक से, एंड फेसबुक वाले पे क्लिक करके आपको फेसबुक आईडी को लॉग इन कर लेना। जैसे हम लोग यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे लॉग इन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे हमारा यहाँ लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोफाइल ऊपर में शो होगा, जैसे कि मेरे में यहाँ पे मेरा प्रोफाइल शो हो रहा है, एंड आपको ऊपर वाले प्रोफाइल पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट ए रिक्वेस्ट का, आपको इसी वाले सबमिट ए रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको बैन अपील करके, नीचे पे आपको यहाँ पे बैन अपील सेलेक्ट कर लेना है। तो अपन यहाँ पे नीचे पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बैन अपील को, एंड बैन अपील सेलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे बैन अपील सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा एक फॉर्म आ जाएगा फुल फिल, एंड फॉर्म आने के बाद तुमको यहाँ पे सभी में टिक लगा देना, टिक लगाने के बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देना फटाफट से, जो मैंने कॉपी किया था ना आपको पता होगा, आपको डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे ऐड कर लेना है, एग्जैक्ट ऐड करना है, यानी यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको एग्जैक्ट यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड ऐड करने के बाद आपका सभी डिटेल प्रॉपर आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे में आपको एक सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, 24 आवर के बाद गरीना तुमको है ना इसी जगह पे रिप्लाई देगी, एंड तुम गरीना से है ना फेस टू फेस तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन चैट टू चैट बात कर सकते हो, गरीना तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देगी एंड क्लियर तुम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। 24 आवर के बाद तुमको यहाँ पे कैसे चेक करना है, आपको मेन पेज पे आ जाना है, उसके बाद ऊपर प्रोफाइल का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करके माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, और माई रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना। माई रिक्वेस्ट जैसे क्लिक करोगे ना तुम्हारा रिक्वेस्ट ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे 24 आवर के बाद गहना तुमको रिप्लाई देगी, यानी यहाँ पे तुम लोग गहना से चैट टू चैट बात कर सकते हो कि आपकी आईडी क्यों बैन हुई और आपकी आईडी क्यों अनबैन नहीं हो सकती है, और आईडी हमारी अनबैन हो सकती है या नहीं हो सकती है, प्रॉपर यहाँ से तुम गहना से बात कर सकते हो इस प्रोसेस के जरिए। एंड इसके बाद भी तुम्हारी आईडी अनबैन नहीं होती है, तुम लोग एक काम करना, हमें क्या करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। मैं आपको है ना इंस्टाग्राम आईडी कमेंट बॉक्स में नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी इंस्टाग्राम आईडी हमेशा रहती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम इंस्टाग्राम आईडी पे क्लिक करके तुम लोग हमें इंस्टाग्राम पे फटाफट से मैसेज करो, बोलो अभी भाई मेरी आईडी बैन होगी और हमारी आईडी अनबैन नहीं हो रही है, एंड मदर किसकी आईडी किस रीजन से बैन हुई है ना कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बताना। मदर चलते बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, मस्त में रहना, मजे में रहना, और बाय, चलते हैं कल नहीं कभी और मिलेंगे। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, जो भी तुम्हारे दोस्त होंगे फ्रेंड होंगे सभी को सभी शेयर कर देना, एंड उसके बाद जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन को जिसने भी ऑल करके नहीं रखा है नोटिफिकेशन बटन को भी ऑल कर लो फटाफट से। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर, मस्त रहो, मजे में रहो, अच्छे रहो, सभी को मस्त रखो, बाय गाइस, बाय।